लोकवाणी आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। लोकवाणी की 12वीं कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दीपावली की जगमगाहट शुरू हो गई है, बाजारों में रौनक है, घरों में उमंग और उत्साह के साथ दिवाली और इसके साथ चलने वाले त्योहारों रस्म रिवाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त श्रोताओं की ओर से आपको दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना और विश्वव्यापी आर्थिक संकट के दौर में भी अगर छत्तीसगढ़ में दीपावली की रौनक है तो इसका सबसे बड़ा कारण आपकी जनहितकारी नीतियां, किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित सभी तबकों को आर्थिक संबल देने के आपके सतत प्रयास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने स्वयं रुचि लेकर कहा था कि नवंबर के लोकवाणी कार्यक्रम में आप बच्चों से मुखातिब होना चाहेंगे, क्योंकि ये माह बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के जन्मदिन का है। बहुत से बच्चों ने पंडित नेहरू के बारे में बहुत से सवाल किए हैं। आइए सुनते हैं बच्चों की बात। प्रणाम सर, मेरा नाम ज्योति पटेल है। मैं प्राथमिक शाला नेक नांगर कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। विकास खान पुसौर जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि चाचा नेहरू जी फैंसी ड्रेस छोड़कर हमेशा खादी कपड़ा और टोपी क्यों पहनते थे? मेरा नाम विजयस्वर है, मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ। मेरा उम्र 10 साल है। गांव गंगोत्री ब्लॉक उड़गी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं प्राथमिक शाला गंगोत्री में पढ़ता था। अभी कोरोना के कारण स्कूल बंद है। मेरे गांव में संजना दीदी मिनी सी केंद्र में हमें 2 घंटे पढ़ाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाचा नेहरू के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चाचा नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत ज्यादा पसंद क्यों था? आप सबको दीपावली की खूब बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारे लिए लक्ष्मी पूजा के अलावा गौरा गौरी, गोवर्धन पूजा, मातर, भाई दूज, देव उठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा का मेला जिसे पुन्नी मेला भी कहा जाता है, जैसे अनेक आकर्षण है। यही विविधता हमारे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विशेषता है, जिसमें जाति धर्म से अधिक महत्व एकजुटता, समरसता, भाईचारे का है। लोकवाणी के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली तथा इससे जुड़े तमाम पर्वों की खूब बधाई देता हूँ। यह सुखद संयोग है कि 14 नवंबर को दीपावली भी है और बाल दिवस भी, जिसे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज कुछ विस्तार से नेहरू जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल ज्योति, विजेश्वर आदि की बातों का जवाब दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, नेहरू जी विदेश से पढ़कर लौटने के बाद जल्दी ही गांधी जी के संपर्क में आ गए थे। गांधी जी की प्रेरणा से वे देश प्रेम, त्याग, सादगी और आजादी की लड़ाई का महत्व समझ गए और गांधी जी की तरह खादी के कपड़े पहनने लगे। उनकी बेटी इंदिरा जी बगीचे से एक ताजा गुलाब तोड़कर नेहरू जी के कुर्ते में लगाने लगी तो उन्होंने इस भावना और प्यार को सहजते हुए गुलाब फूल को बच्चों के प्रेम का प्रतीक बना लिया। नेहरू जी बच्चों के अंदर देश का भविष्य देखते थे और यह मानते थे कि भारत के बच्चे जितने शिक्षित और स्वस्थ होंगे, देश का भविष्य भी उतना सुरक्षित होगा, और वे नई पीढ़ी को प्यार और दुलार के साथ सीख देना चाहते थे। वे बच्चों के बीच जाना पसंद करते थे और बच्चों के सवाल का खूब जवाब देते थे। पंडित नेहरू से जब पूछा जाता था कि भारत माता कौन है, तब वे कहते थे कि नदियों, पहाड़ों, खेतों, खलिहानों, जंगलों, मैदानों के साथ ही इस देश के करोड़ों बेटे बेटियां ही भारत माता है। नेहरू जी बहुलतावादी समाज व्यवस्था पर विश्वास करते थे, अर्थात विविधता में एकता ही हमारी ताकत है। देश का हर व्यक्ति जाति धर्म से परे हटकर एकजुट हो और सब अपने भीतर भारत को महसूस करे, उसे ही जिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से आज की पीढ़ी के बच्चों को किस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए, इस संबंध में आपके विचार हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि करीब 73 साल पहले तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। सोचिए 200 साल की गुलामी में हमारे पुरखों की जिंदगी कैसी रही होगी। अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म करते थे, कोड़े से मारते थे। अगर किसी ने उसके खिलाफ कहा तो चौराहे पर खड़ा करके गोली से उड़ा देते थे, फांसी में लटका देते थे, मौत के घाट उतार देते थे। आज़ादी की लड़ाई के लिए जनता को संगठित करने, लड़ाई का नेतृत्व करने वाले लोगों में पंडित जवाहरलाल नेहरू अग्रणी नेताओं में शामिल थे। पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू उस जमाने के बहुत बड़े वकील और बहुत धनवान व्यक्ति थे। नेहरू परिवार मूलतः कश्मीरी पंडित सारस्वत कौल ब्राह्मण परिवार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पढ़ाई उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों में की थी। वे चाहते तो बहुत बड़े और संपन्न वकील के रूप में अपना जीवन बिता सकते थे। 14 नवंबर 1889 को जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू 28 वर्ष की उम्र में अर्थात 1917 में राजनीति में आ गए थे और 1922 में पहली बार जेल गए। अंग्रेजों ने 1922 से लेकर 1945 तक नेहरू जी को 9 बार जेल भेजा, सबसे कम 12 दिन और सबसे ज्यादा 1041 दिन अर्थात एक बार में वे 3.5 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। उन्होंने कुल मिलाकर अपनी जिंदगी के करीब 9 बरस अंग्रेजों की जेल में काटे। जेल की कठिन जिंदगी भी आज़ादी के दीवानों को अपने इरादों से कभी डिगा नहीं पाई। नेहरू जी जेल की यातना से बेहद थकने और कष्ट उठाने के बाद भी जेल के भीतर अच्छे साहित्य की पढ़ाई करते थे। जेल में उनके द्वारा लिखी गई किताबें दुनिया के महान साहित्य में शामिल हुई है। विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, भारत की खोज, पुत्री के नाम पत्र, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता आदि उनके प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें हैं। जवाहरलाल नेहरू वांग्मय का प्रकाशन तो 11 खंडों में हुआ है। नेहरू जी की प्रतिभा, लगन और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी कहा था। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और अपने देहावसान 27 मई 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। जब पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री पद संभाला था तब भारत की स्थिति एक जर्जर राष्ट्र के रूप में थी, क्योंकि यहाँ जो कुछ था सब अंग्रेज पहले ही लूट कर ले गए थे। नेहरू जी ने सीमित संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की ताकि खूब सोच विचार के साथ भारत का नवनिर्माण हो। वे जितने परंपरा प्रकृति के पोषक थे उतने ही आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से काम करने वाले थे। यही वजह है कि उनके दूर की सोच से भारत का एक मजबूत ढांचा खड़ा किया गया जो नई पीढ़ी के लिए खूब सारे अवसर लेकर आया। खेत से लेकर उद्योग तक, स्कूल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान जैसे IIT, एम्स, IIM तक तमाम संस्थान नेहरू जी की सोच और शासन के देन हैं। उन्होंने निजी उद्योगों के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिसका जगमगाता हुआ उदाहरण भिलाई इस्पात संयंत्र भी है, जिसमें सिर्फ इस्पात ही नहीं बनाया बल्कि जिंदगियां भी बनाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलग जगाने वाले उद्योग पंडित नेहरू की सोच के अनुपम उदाहरण हैं। उनके द्वारा रोपे गए ज्ञान के पौधे आगे चलकर बड़े बड़े वट वृक्ष बने और आज ये सारे संस्थान, चाहे वे कृषि विश्वविद्यालय हों या अंतरिक्ष संस्थान, सभी का दुनिया में नाम है। पंडित नेहरू की कार्यशैली के कारण भारत बहुत जल्दी विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना। वे गरीबों और कमजोर तबकों को मदद करने के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माण की सोच रखते थे। इस तरह हमारे देश को आज भी नेहरू जी के विचारों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसमें महात्मा गांधी के आदर्शों का भी सम्मान हो और देश के लिए बलिदान योगदान देने वाले सभी विभूतियों का सम्मान हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए कार्यों के बारे में आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही उपयोगी है। वास्तव में पंडित नेहरू के कारण ही नई पीढ़ी को सुविधाओं
और अवसरों से भरपूर जिंदगी मिली। वे सच में बच्चों के शुभचिंतक और प्यारे चाचा नेहरू थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, चाचा नेहरू के बाल प्रेम के कुछ और रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंगों के बारे में कृपया बताइए, हमारे श्रोताओं को बड़ी जिज्ञासा है। प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के आंदोलन के दौरान कितने जोखिम और कितनी परेशानियों से घिरे रहते थे, यह मैंने आपको बताया है। लेकिन इसके बीच में भी उन्होंने अपनी बेटी से कैसे अपनी बातचीत जारी रखी, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंडित नेहरू की इकलौती बेटी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें 11 वर्ष की उम्र में बोर्डिंग स्कूल पढ़ने भेजा गया था। नेहरू जी को विभिन्न विषयों का गहरा ज्ञान था, जिसे वे अपनी बेटी को देना चाहते थे। वर्ष 1928 में लिखे पत्रों में नेहरू जी का इतिहास और प्रकृति प्रेम बहुत खूबसूरती से उजागर होता है। नेहरू जी के पत्र दुनिया के साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। अपने पत्र में नेहरू जी ने पत्थर के एक छोटे से टुकड़े का उदाहरण देते हुए लिखा था, जब आप एक जर्रे के इतिहास को जानना चाहोगे या सोचना पड़ेगा कि यह किस चट्टान का हिस्सा रहा होगा, जो कितना टूट कर, कितना घिस कर, कहां से बह कर आपके पास पहुंचा होगा। इस तरह उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझने का वैज्ञानिक मंत्र भी दिया था। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उसे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। प्यारे बच्चों, मेरा मन हो रहा है कि इस किताब की कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। उन्होंने लिखा था, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उसी तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उस छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उनके सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। हमें यह देखना है कि हमारे रस्म रिवाज में क्या खूबियां हैं और उनको बचाने की कोशिश करनी है, जो बुराइयां हैं उसे दूर करना है। अगर हमें दूसरे मुल्कों में कोई अच्छी बात मिले तो उसे जरूर ले लेना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तान में रहना और उसकी भलाई के लिए काम करना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के और हिस्सों के रहने वाले हमारे रिश्तेदार और कुटुंबी हैं। क्या ही अच्छी बात होगी अगर दुनिया के सभी आदमी खुश और सुखी होते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए जहां लोग चैन से रह सकें। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है, और यह ठीक है, यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और खूबसूरत चीजें जरूर सभ्यता की पहचान है, मगर भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है, सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है। सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। यह तो तुम जानती ही हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावण के साथ लड़ाई का हाल बयान किया गया है। महाभारत इसके बहुत दिनों बाद लिखी गई। इसमें वह अमूल्य ग्रंथ रत्न है जिसे भगवद गीता कहते हैं। इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा है। बच्चे उन्हें पढ़ते हैं और सयाने उनसे उपदेश लेते हैं। प्रिय बच्चों, ये कुछ पैराग्राफ मैंने पढ़कर सुनाए हैं जो नेहरू जी इकलौती बेटी को लिखकर भेजते थे। सोचिए वे कितने उदार थे, पूरी दुनिया का कल्याण चाहते थे और यह भी सोचते थे कि हमें उसमें अपनी भूमिका खोजनी है और निभानी चाहिए। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि किस तरह नेहरू जी बच्चों को सच्चाई और भलाई के रास्ते पर ले जाना चाहते थे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो अपने हिस्से का टिफिन किसी अन्य बच्चे को खिलाकर खुश होते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है किसी गरीब बच्चे के प्रति कितना प्यार और करुणा का भाव रखते हैं। जब कोई अन्य बच्चा या उनका कोई मित्र भूखा, बीमारी या किसी भेदभाव से पीड़ित होता है तो हमारे प्यारे बच्चे उनकी मदद के लिए
अपने माता पिता को राजी करते हैं। अभी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ही ऐसे कितने उदाहरण सामने आए कि जब हमारे प्यारे बच्चों ने अपने जेब खर्च से बचाकर जो राशि जमा की उसे जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान किया या अपने आसपास के गरीबों को मदद करने के लिए खर्च कर दी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने किसी की भलाई के लिए कोई काम अपने माता पिता से छुपकर नहीं किया हो। यह साबित करता है कि बच्चों के मन में भगवान बसते हैं। यह साबित करता है कि बच्चों के मन कितना पवित्र होता है। मैं प्यारे बच्चों को ऐसे साहस और नेक कार्य के लिए बधाई देता हूँ। किसी एक नाम लेने से न्याय नहीं होगा, इसलिए मैं सारे बच्चों को ऐसे नेक कामों के लिए बधाई देता हूँ। मैं सभी पालकों से यह अपील करता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास साधन सीमित हो, लेकिन जब आपके बच्चे का हाथ किसी की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो उसे रोके नहीं। थोड़ी बहुत कमी बेसी को परिस्थितियों के अनुसार समझें और उसके अनुरूप निर्णय लें, लेकिन बच्चों की यह भावना जिंदा रहे और उन्हें इस सुख का एहसास हो यह वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी है। बच्चों में करुणा होगी तो समाज भी बहुत खूबसूरत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों से बात करने की आपकी पहल का बच्चों ने जोरदार स्वागत किया है। बहुत से बच्चों ने आपके साथ अपने विचार साझा किए हैं। वे आपकी सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में अपने विचार रखना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपने सुझाव भी देना चाहते हैं। आइए अब सीधे जुड़ते हैं कुछ बच्चों से। सूरजपुर जिले की आकांक्षा, डीजे सोहेल, पुसौर जिला रायगढ़ की ज्योति पटेल सहित दर्जनों बच्चों ने ऑनलाइन तथा पारे मोहल्ले में पढ़ाई की व्यवस्था को बहुत पसंद किया है। आइए सुनते हैं कुछ विचार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की गतौरा गांव से हूँ। मेरा नाम प्रियता यादव है। मैंने कक्षा 10वीं की परीक्षा 90% अंकों से उत्तीर्ण की है और कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय लेकर अध्ययन कर रही हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस संकट की परिस्थिति में हम सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ही उचित है। मैं ओमनी सूर्यवंशी कोरबा से बोल रही हूँ। मैं बीकानेर इंग्लिश स्कूल के कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत मैं अभी तक निःशुल्क पढ़ रही हूँ। आज की सरकार द्वारा 2018 में घोषणा पत्र में बालिकाओं को 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाने के लिए घोषणा किए हैं, तो 9वीं कक्षा से मुझे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता जी गरीब हैं। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सर नमस्ते, मैं भूमिका सोनी, मेरे पिताजी श्री डाकेसर सोनी, हम सुनारपारा विकास खंड गिदम जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की निवासी हूँ। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई तुहर द्वार ज्ञान गंगा सर्वर के माध्यम से सुचारू रूप से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। राजनांदगांव से मैं जयश्री ठाकुर, कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम की छात्रा हूँ। मैंने गायत्री विद्या मंदिर राजनांदगांव से 9वीं पास की हूँ। मेरे माताजी मजदूरी करके मुझे पढ़ा रही है। मेरे 12 स्कूल की फीस जमा नहीं करने के कारण एडमिशन नहीं हुआ है। स्कूल प्रावधान ने टीसी देने से मना कर दिया है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे अंक सूची एवं टीसी गायत्री स्कूल से दिलवाने का कष्ट करे एवं किसी सरकारी स्कूल से मेरा दाखिल करवा दे, ताकि मैं शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो सकूं। सबसे पहले मैं राजनांदगांव की बिटिया जयश्री ठाकुर से रूबरू होता हूँ। मैं जयश्री को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने अपनी समस्या से मुझे अवगत कराया। मैंने तुरंत राजनांदगांव कलेक्टर को निर्देश दिया है कि आपकी समस्या का हल होना चाहिए। अब तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि आपका प्रवेश शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में कर दिया गया है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी पढ़ाई पूरी हो और जहां तक पढ़ना चाहें पढ़ें। इसी तरह की चिंता कोरबा जिले के उर्मी चंद्रवंशी ने जताई है। उर्मी बिटिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था कर दी है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कोई भी बच्चा 12वीं तक निशुल्क पढ़ाई कर सकता है। पूरे देश में सिर्फ 8वीं तक निशुल्क पढ़ाई की सुविधा दी गई है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई भी निशुल्क होगी। उर्मी बिटिया, हमने आपको आपकी पढ़ाई पूरी करने की सुविधा अधिकार के रूप में दी है। यदि कहीं कोई बाधा आए तो आप जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर या सीधे मुझसे बात कर सकती हो।
हमने प्रशासन को सचेत और संवेदनशील किया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा और पूरी शिक्षा के अधिकार का पालन हो। विगत 2 वर्षों में हमारे इस नए प्रावधान के तहत 10,347 बच्चे 11वीं-12वीं में पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई बेटी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यदि कहीं कोई समस्या है तो हमें सूचित करें, यह अपील जरूर करना चाहूंगा। साजा बेमेतरा के महेश बेटे ने छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाई कराने के बारे में विचार रखा है। मुझे खुशी है कि हमारी नई पीढ़ी अपनी स्थानीय बोली भाषा और संस्कृति के प्रति काफी जागरूक हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल हमने छत्तीसगढ़ी सहित 20 बोली भाषाओं में किताबें प्रकाशित कराई है, ताकि जो बच्चे अपनी स्थानीय बोली भाषा में शिक्षा शुरू करना चाहते हों उन्हें यह सुविधा मिल सके। इसके अलावा हमने उड़िया और बंगाली में भी किताबें छपवाई है, ताकि जिन बसाहटों में उड़िया और बंगाली बच्चे हैं उन्हें अपनी बोली भाषा में पढ़ाई की सुविधा मिल सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह एकता और समरसता की बात की थी, वह छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली में भी शामिल की गई है। दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा में कमजोरी को लेकर काफी समय से चिंता व्यक्त की जाती रही है, लेकिन सार्थक समाधान नहीं किया गया। मुझे खुशी है कि हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के अंतर्गत 53 शालाओं का चयन किया है। इन सरकारी शालाओं को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है, जहां पढ़ाई, खेलकूद, कंप्यूटर, लैब आदि की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं होगी, जो हमारे बच्चों का आत्मविश्वास मजबूत बनाएंगे। दंतेवाड़े की भूमिका बिटिया ने बताया कि पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहर पारा योजनाओं का लाभ आदिवासी अंचलों में भी पहुंचा है। जहां तक स्कूल खोलने और खेलकूद आदि आयोजनों का सवाल है, तो बेटा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कक्षाओं में या खेल के मैदान में जब बच्चे मिलकर खेलते हैं तो सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए जब तक कोरोना पर अंकुश नहीं लगता तब तक सावधानी जरूरी है और स्कूल खोलने का निर्णय कोरोना की स्थिति को देखकर ही लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत से बच्चों ने खेल कूद को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई है, आइए सुनते हैं उनके विचार। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय जोहार, प्रणाम। मेरा नाम मनीषा साहू है, मैं नारायणपुर में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं मक्खन को अपने जीवन का अंग बना चुकी हूँ। मैं रोज मक्खन का अभ्यास करती हूँ। मैं अपने सभी साथियों एवं खिलाड़ियों की ओर से आपसे निवेदन करती हूँ, यदि आप मलखम एकेडमी की स्थापना करवा दे तो हम इस खेल में ऊंचा स्थान बनाकर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। हमें आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। आपको पुनः प्रणाम, जय जोहार। नमस्कार, मैं शिवाक साहू, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर हूँ और हाल ही में मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ एक पदक प्राप्त किया था। मेरा नाम रुद्राक्ष साहू है और मैं भी तैराकी खेल का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और अभी हाल ही में मैंने खेलो इंडिया 2020 में छत्तीसगढ़ के लिए एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके विशेष प्रयासों से बिलासपुर में तैराकी, कुश्ती और एथलेटिक्स का एक्सलेंस सेंटर खेल अकेडमी खुलने जा रहा है, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण अब अपने ही प्रदेश में मिलेगा। निश्चित रूप से अब प्रदेश के में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। आपने जो खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया था, यह अब साकार होने जा रहा है। मैं सभी तैराकों की तरफ से आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। मनीषा बिटिया, पढ़ाई के साथ आपकी रुचि खेल कूद में भी है, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर पढ़ाई जितनी संभावनाएं खेल कूद में भी है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होकर पदक जीतें। मुझे खुशी है कि अबूझमाड़ के खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पुराने विजेताओं को हराकर राष्ट्रीय मलखम्ब चैंपियनशिप में 8 गोल्ड मेडल के साथ चैंपियनशिप का खिताब पाया है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने नारायणपुर जिले में खेलो इंडिया केंद्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। इसके अलावा मलखम्ब एकेडमी के लिए भी भूमि उपलब्ध कराकर आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की जा रही है। शिवाक्ष और रुद्राक्ष को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं चाहूंगा कि आप आगे भी इसी तरह सफलता पाए। राष्ट्रीय स्तर के 2 एकेडमी मुबारक हो। अन्य खेलों के लिए भी हम राष्ट्रीय स्तर के एकेडमी खोलने हेतु सतत प्रयासरत हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों के लालन पालन तथा स्वस्थ विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की बड़ी भूमिका रही है। बच्चों में कुपोषण दूर करने को लेकर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश में एक वर्ष में कुपोषण की दर 13.79% कम हुई है। इस उपलब्धि की वजह है बच्चों के प्रति सरकार का सहानुभूतिपूर्ण सकारात्मक व्यवहार। आपने छत्तीसगढ़ी पर्व त्योहारों को मान दिया। हरेली, तीजा, भक्त माता कर्मा जयंती आदि को लेकर भी बच्चों में बहुत उत्साह है। आइए सुनते हैं बच्चों की जुबानी। जय जोहार सर जी, मेरा नाम तान्या साहू है। मैं एम विक्टर नगर गुढ़ियारी के किशोरी बालिका हूँ। आंगनबाड़ी में मोर किशोरी बालिका के जांच हुई से ता में अपन भी जांच कराई हूँ। तब मोर एच बी मोला पता चली से कि मोर एच बी 9 ग्राम है। तब मोला आंगनबाड़ी वाली मैडम हाँ बोली से कि अपन खान पान में ध्यान रख और लाल भाजी, पालक भाजी, गुड़, अंकुरित चना और आंगनबाड़ी से मिलते रेडीटेड एक्सपोर्ट और आयरन और जिंक के गोली एमन ला खाए हो तब मोला बहुत अच्छा लगता है, स्वस्थ महसूस करता हूँ। तब मैं अब अपन दोबारा टेस्ट कराए हूँ तब मोला पता चली से कि मोर एच बी 9 से 12 ग्राम हो गए। आदरणीय भूपेश अंकल जी प्रणाम। मेरा नाम अभिज्ञान साहू है। मैं महासुन में रहता हूँ, कक्षा 7 में पढ़ रहा हूँ। अभी मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ। अंकल जी, मैं आपको एक विशेष बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे पूज्य भक्त माता कर्मा की जयंती के अवसर पर जो अवकाश घोषित किया है वो हम सब के लिए सम्मान की बात है। अब मैं भी अपने परिवार के साथ भक्त माता कर्मा की जयंती में घर के सभी लोगों के साथ पूजा करता हूँ, क्योंकि इस दिन अब स्कूल में छुट्टी रहता है। भक्त माता कर्मा की महिमा को समझा हूँ। अब हम सब मिलकर माता कर्मा की जयंती अच्छे से मनाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम मुख्यमंत्री जी। आदरणीय भूपेश अंकल जी, सादर प्रणाम। मैं गरियाबंद से कुमारी दीक्षा कुलदीप बोल रही हूँ। अभी मैं कक्षा 7वीं में पढ़ रही हूँ। अंकल जी, मैं आपको इसलिए फोन कर रही हूँ क्योंकि आपने हरेली तिहार की छुट्टी देकर हम बच्चों को त्योहार के असली महत्व को बताया। पिछले 2 सालों से जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से मैं और मेरी सहेली बहुत आनंद से त्योहार मना रहे हैं। पापा मेरे लिए गेड़ी भी बनाते हैं। पहले त्योहार के समय स्कूल में रहते थे इसलिए मजा नहीं आता था, लेकिन अब मजा भी आता है और त्योहार को आनंद से मनाते भी हैं। अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की सेहत और ये खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खिलखिलाता हुआ बचपन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के बच्चे अपनी सेहत, शिक्षा, हुनर, खेल कूद के कौशल, लगन, संस्कार के लिए अलग से पहचान बनाएं। आपको ध्यान होगा, कोरोना काल में हम स्कूलों में बच्चों को सूखा राशन दे रहे थे और आंगनबाड़ियों में हमने गर्म खाना देना शुरू किया है। इस दिशा में हमारी योजनाएं और नवाचार लगातार जारी रहेंगे। एक बार फिर दीपावली और बाल दिवस की शुभकामनाएं। अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 13 दिसंबर 2020 को होगा, जिसका विषय होगा छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल। इस विषय पर आप अपने विचार 25, 26 और 27 नवंबर 2020 के बीच रख सकेंगे। पहले की तरह ही दिन में 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर इस प्रकार हैं: 0771 के बाद 2430501, 2430502 और 2430503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी। Yeah, I'll call you back. मैडम जी, आप आइए, अंदर आइए। बेटा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तुम बैंक में काम करते हो ना? मुझे कुछ सोना गिरवी रखना था। बेटी घर बना रही है, हमें भी उसकी थोड़ी